हेलो एवरीवन, मैं अनिल पॉलिटी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का पहला प्रश्न आप सबके सामने है। बोला जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश। तो देखो, वस्तु एवं सेवा कर को हम बोलते क्या है वैसे, जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर भी पर अब क्या बात बोल रहे हैं कि पहली बार इसको कहाँ पे लागू किया गया? वो जो आपके पास देश था वो था फ्रांस, और 1954 में उसको लागू किया गया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें देखने को मिलती वो है, बोल जाता है जीएसटी से ना कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जीएसटी आपको पता है एक तरह का टैक्स है, एक तरह से कर है। पहले बहुत सारे कर होते थे, उन सारे करों को मिला के आपके पास एक कर बनाया गया, और उसी को हम नाम देते हैं जीएसटी, गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि ये कौन सा टैक्स है? आपको पता है हमारे जो टैक्सेस हैं वो दो तरह के रहते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी जाती है तो वो आपके पास कौन सा है? जीएसटी। हमने अपनी क्लासेस में लगातार देखा है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, ऐसे टैक्स जो कि बोला जाता है हर किसी को देने पड़ते हैं, उसको हम किस में काउंट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और ऐसे टैक्स जो कि बोला जाता है चुनिंदा लोग ही देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिस्किट ले रहे हो तो वो आपके पास एक अमीर लोग भी, अमीर आदमी भी बिस्किट खरीदेगा, एक गरीब आदमी भी बिस्किट खरीदेगा, तो मतलब ये टैक्स सबको देना पड़ेगा। ये आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्स आपके पास जो आपके पास जैसे अंबानी जैसे जो आपके पास व्यक्ति हैं, है ना, जो व्यापारी व्यक्ति हैं जिनके पास अच्छा पैसा है वो ही उसको पे करेंगे, है ना। तो इसको देखो, जो आपके पास डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स को हम नहीं देंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास जीएसटी है, जीएसटी आपके पास हर कोई पे करता है। तो इसमें जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर था वो इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेक्स्ट यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कई बार, एक इनडायरेक्ट टैक्स तो हो गया, और उससे उसके बाद इसको एक और नाम दिया जाता है, कंजप्शन टैक्स। क्या बोल जाता है इसे? उसको जीएसटी को कंजप्शन, CONSUMPTION, कंजप्शन टैक्स भी से कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है जीएसटी के अकॉर्डिंग? बोल जाते हैं जीएसटी जहां पे बोल जाता है जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे लागू नहीं किया जाता है? बोल जाता है जीएसटी सारे प्रोडक्ट्स पे लागू किया जाता है, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है वहां पे जीएसटी लागू नहीं किया जाता है। तो पहला प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके पास प्रोडक्ट रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी आपके पास, है ना, जो प्रोजेक्ट्स हैं या जहां पे भी इस तरह की बात करी जाती है वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है? एल्कोहल। जो शराब है, शराब के ऊपर भी कभी भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए तीन फील्ड जहां पे जीएसटी को नहीं लगाया जाता है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और एल्कोहल की बात करी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है? बोल जाता है जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? पहला स्टेट आपके पास, इंडियन स्टेट कौन सी बनी थी? असम। कौन सी बनी थी? असम की बात करी गई थी। और आपके पास बोल जाता है कि दूसरा जो सबसे लास्ट स्टेट बनी है ना, लास्ट राज्य जो जीएसटी को पास कर चुका है, वो आपके पास कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इससे ऊपर कभी भी जीएसटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, मेरे को जल्दी से आप ये बता दो, ये तो सबको पता है, जीएसटी को लागू कब किया गया था? क्लियर है? वो डेट जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। देखो, पहले तो आपके दिमाग में क्या यहाँ पे घूम रहा होगा, भाई महाभियोग, वो भी न्यायाधीश के ऊपर, ये कैसे लगा सकता है? भैया, महाभियोग यहाँ पे क्या आपके पास काम कर रहा है? उसको हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग एक ही पर्सन के ऊपर लगाया जाता है, वो आपके पास कौन है? प्रेसिडेंट। वो बिल्कुल ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान बताता है ना, संविधान बोलता है कि एक बंदे के ऊपर जो आपके पास प्रक्रिया लगाई जाती है हटाने की, उसको महाभियोग बोला जाता है। पर यहाँ पे महाभियोग, इसके हटाने की प्रक्रिया की बात करी जा रही है, और कुछ यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। तो ये बोल जाता है पहले आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिनके ऊपर आपके पास इंपीचमेंट या फिर महाभियोग लगाया गया था, मतलब उनको हटाना है, वो अपने काम सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे तो उनको हटाना था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बोल जाता रमा स्वामी। कौन थे वो? रमा स्वामी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, आज तक जितनी बार भी किसी के ऊपर आपके पास बोल जाता है इंपीचमेंट लगाया है, लगा हुआ है, पर बोल जाता है कि इसको कभी, है ना, प्रूव नहीं किया गया, मतलब उससे पहले ही या तो आपके पास किसी अधिकारी के ऊपर अगर न्यायाधीश लगाए, जो आपके पास महाभियोग लगाया जा रहा है, वो पहले ही रिजाइन दे देगा, या फिर वो केस आगे तक पहुंचेगा नहीं, वो पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, रामा स्वामी के ऊपर पहली बार आपके पास इस तरह की प्रोसेस यूज की गई थी इम्पीचमेंट की, मतलब उसको हटाना है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था? बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो स्वामी मित्रा सेन है ना, इनको भी आपने याद रखना है। स्वामी मित्रा सेन के ऊपर भी इम्पीचमेंट लगाया गया था, पर याद रखना है ये
जो आपके पास है वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जो आपके पास मुख्य न्यायाधीश हैं वो रह चुके हैं, और ये कोलकाता हाई कोर्ट के रह चुके हैं। तो याद रखना, स्वामी मित्रा को आपने टिक नहीं करना है, वो हाई कोर्ट के थे, क्लियर है। अगर हम बात करें रमा स्वामी को, तो वो आपके पास किसके थे, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय किसको बोल जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट किसे बोल जाता है, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, बोले अच्छा मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके दो, बोल जाता है कि ये जो महाभियोग है ना, ऑफिशियली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस अधिकारी के ऊपर लगाया जाता है, और क्या प्रोसेस इसके पीछे रहती है ना, और कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, मनोहर पारिकर जिनका निधन 2019 में हुआ, वो कहां के सीएम थे। बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर जो इसका वो है गोवा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि लास्ट टाइम हमारे गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद नए कौन बने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रमोद सावंत, क्या नाम है उनका, प्रमोद सावंत। अभी जो आपके पास गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, प्रमोद सावंत, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्रमोद सावंत की अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाए तो याद रखना सेंक्युलिम, SANQUELIM, सेंक्युलिम, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करेंगे। देखो अवशिष्ट शक्तियों का पहले तो हमें मतलब समझना है, हर टाइम जब भी मैं क्लास में कोई चीज़ कन्वे करता हूँ तो उस टाइम मैं क्या बोलता हूँ कि भैया पहले हमारी आदत क्या बननी चाहिए, क्वेश्चन को समझ लो उसके बाद काम करो। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा ना, अवशिष्ट शक्तियों को बोला जाता है रेजिडुअल पावर्स, RESDIUAL, रेजिडुअल पावर्स। देखो अवशिष्ट शक्तियों का आपके पास जो एक टॉपिक है और एक आपके पास टॉपिक है शक्तियों का विभाजन, दोनों में बहुत फर्क है। शक्तियों का विभाजन जो है ना वो आपके पास एक अलग चीज है, और अवशिष्ट शक्तियां आपके पास अलग चीज है। तो अगर हम अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, रेजिडुअल पावर्स की बात करें, वो हमने बोला जाता है कनाडा से ली है, कहां से ली है, कनाडा से। तो हमें ये चीज समझनी है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। देखो अगर मैं शेड्यूल नंबर 7 की बात करूं ना, शेड्यूल नंबर 7 में आपके पास क्या है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास केंद्र सॉरी राज्यों के लिए आपके पास एक लिस्ट बना दी गई कि राज्यों इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने लॉ बनाएगी, और जो आपके पास एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके काम करती है, वो एक अलग से लिस्ट है। अब बोल जाते हैं जो आपके पास नंबर 2 की जो लिस्ट है ना और नंबर 3 की जो लिस्ट है, अगर बोल जाता है इनमें आपके पास कोई इनके अकॉर्डिंग कोई आपके पास मैटर ऐसा नहीं है जिसमें ना आपके पास स्टेट आपके पास कानून बना सकती है, ना आपके पास कंकरेंट लिस्ट आपके पास कानून बना सकती है, तो ऐसे मामलों को आपके पास बोल जाता है कहां किसके द्वारा हैंडल किया जाएगा, वो सेंटर के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो वही आपके पास जो पावर बनती है वो बोल जाता है रेजिडुअल पावर। मतलब सिंपल सा क्या है, जब आपके पास जो सेंटर स्टेट सेंटर की जो आपके पास एक लिस्ट है ना, सेंटर की लिस्ट काम करेगी या सेंटर कानून बनाएगा ऐसे मैटर्स के ऊपर, जब आपके पास बोला जाता है स्टेट लिस्ट में वो काम नहीं होता हो सकता हो, और आपके पास जो कि कंकरेंट लिस्ट में काम नहीं हो सकता होगा वो कौन करेगा, सेंटर। तो उसी को क्या बोला जा रहा है, अवशिष्ट शक्तियां, सेंटर की अवशिष्ट शक्तियां या सेंटर की जो आपके पास रेजिडुअल पावर्स हैं उनको आपके पास कहां से लिया गया था, कनाडा से। अच्छा अभी अभी मैंने बोला कि आपके पास एक और टॉपिक चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं सॉरी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है वो मेरे को जल्दी से बताओ आप, ये मैंने बता दिया कि रेजिडुअल पावर्स हमने कहां से लिए, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बने, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका नाम क्या था, सिरी मावो बंडा वंडरा वंडरा नाइक, क्या नाम था, वंडरा नाइक, सिरी मावो मावो, यहां पे ए के साथ ओ था, श्री मावो भंडार सॉरी वंडरा नाइक, वंडरा नाइक। तो ये याद रखना, और ये कहाँ की आपके पास किस देश की पहली ये मुख्यमंत्री बने थे, तो श्रीलंका की ये पहले मुख्यमंत्री बनी थी, और पूरे विश्व की ये पहले मुख्य सॉरी प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, सॉरी मिस्टेक हो रही है, इस चीज को फिर से सुनना। बोला गया दुनिया की पहली जो महिला प्रधानमंत्री हैं वो आपके पास कौन है, सिरिमावो बंडार नाइक के। पर बोल जाते हैं देखो प्रधानमंत्री हैं पर ये किस देश से पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, वो श्रीलंका से। तो ये आपके पास बिल्कुल राइट आंसर था। किस पैनल ने ये सुझाव दिया था कि भारत में बढ़ते हुए चीनी उद्योगों को नियंत्रण किया जाए या उनके ऊपर भी नियंत्रण किया जाए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको पता है चाइनीज जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ना वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे थे इंडिया में, तो इस चीज़ को कम करने के लिए या इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए किस पैनल ने यहाँ पे सलाह दी थी, तो वो यहाँ पे याद रखना रंगराजन पैनल, इंपॉर्टेंट था रंगराजन पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2019 में गृहस्थी रखरखाव पंजीकरण या मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर,
किस राज्यों में पास किया गया है। सिंपल सा क्या है, ये एक बिल आया, ये है ना, मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर की बात करी जा रही है, एक बिल आया और इस चीज को अनुमति या पास कर दिया गया है उस स्टेट से। और इस बिल का मतलब क्या है, बोला जा रहा है ये जो आपके पास पास किया गया है मिजोरम में, बोल जाता है कि यहाँ पे इलीगल तौर पे वो बाहरी लोग यहाँ पे रह रहे थे जो मिजोरम के नहीं है, वो ज्यादा करके यहाँ पे रह रहे थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए आपके पास एक बिल लाया गया वहां की लेजिस्लेचर्स में, वहां की विधानसभा में, और वहां से उसको पास कर दिया गया है। तो मतलब सिंपल सी कहानी है कि ये आपके पास मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर जो है वो कहाँ पे आपके पास एक बिल अभी पास हुआ है 2019 में, मिजोरम में। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट बोला जाता है, ये जनरल इलेक्शन कोड है, इंपॉर्टेंट है ये क्या है, जनरल इलेक्शन कोड। चलो इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं कि ये वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स क्या है। देखो हो क्या हुआ क्या, अभी अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में सोशल मीडिया को बोला कि आपको वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसको एक बार रिप्ले करके सुनना। तो अब देखो ये वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स क्या था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो जो हमारा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंस डालता है किसी भी मैटर के बारे में या किसी भी घटना के बारे में, सबसे ज़्यादा जो एक तरह से है ना इन्फ्लुएंस डालता है वो आपके पास कौन सा है, सोशल मीडिया। अगर मैं एक पोस्ट यहाँ से शेयर कर दूँ तो पूरी दुनिया देख रही है, चाहे वो सच्ची होगी चाहे झूठी होगी वो मेरे को पता है, पर मैं तो उस चीज़ को डाल रहा हूँ ना। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास एक फेक न्यूज़ है ना, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे बोल जाता है ये जो आपके पास पूरा वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स था 2019 के इलेक्शंस के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया, और ये किसके लिए जारी किया था, सोशल मीडिया के लिए, कि आप अपनी अपने तरीके से जो एक तरह से विवाद वाले पोस्ट हैं या जो एक फेक न्यूज़ है उनको ज़्यादा स्प्रेड ना होने दे, मतलब वो ज़्यादा फैलने नहीं चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ गलती हो। देखो आज के टाइम में सच्चाई बहुत कम रह चुकी है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, सोशल मीडिया में अगर कोई झूठी बात भी अगर 10-15 बंदे शेयर कर देते हैं ना, वो एकदम से आपके पास है ना पूरी दुनिया में फैल जाती है, और दुनिया क्या सोचती है कि भैया नहीं ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं। तो मतलब उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा कि जो हमारे 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, उस चीज़ के लिए आपके पास इन्होंने क्या करा, एक तरह से वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स दिया किसको, जो सोशल मीडियास हैं। क्लियर है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, आर्टिकल नंबर 45, 45 आपके पास क्या बोलता है, बोल जाता है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको राज्य सरकार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। कौन बोलता है ये, केंद्र सरकार। तो मेरे को जल्दी से आपने बताना है आर्टिकल नंबर 45 कौन से पार्ट के अंडर चलता है, कौन से भाग के अंडर आता है, और इसका टॉपिक क्या है, इस पार्ट का टॉपिक क्या है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, सतत ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में योगदान के लिए चौथा कार्नोट पुरस्कार किसे दिया गया। कार्नोट पुरस्कार याद रखना, जो एनर्जी की फील्ड में, जो ऊर्जा के क्षेत्र में कोई खास काम कर देता है या फिर कोई सराहनीय काम करे तो उसको ये वाला पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बार का जो आपके पास दिया गया पीयूष गोयल को, उन्होंने एक एनर्जी की फील्ड में आपके पास कुछ उत्कृष्टनीय कार्य किया, उसी के लिए इनको कार्नोट प्राइज दिया गया, जो कि आपके पास फोर्थ कार्नोट प्राइज आपके सामने है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है, याद रखना भाग नंबर 11 है, और अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक आपके पास क्या बोला जाता है, ये राज्यों और केंद्र के संबंधों के बारे में बताया गया है। अच्छा एक क्वेश्चन आप सबके लिए, बोल जाता है कि एक इमरजेंसी है ना, आपातकाल, आपातकाल हमने हमें पता है अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आपको क्या देखने को मिलता है, आपातकाल। मेरे को ये बता दो कि वो कौन से पार्ट के अंडर आपके पास इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में, बस वो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किस राज्य से बनी थी। देखो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो राइट आंसर है वो लीला सेठ है, कि हमारे भारत की जो पहली मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश, पर याद रखना ये कहाँ की, हाई कोर्ट की। तो बोल जाता है वो आपके पास कौन बने थे, लीला सेठ, और वो कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बिलोंग करते थे। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था अभी अभी, बोला गया था कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो आपके पास कौन बने थे, श्री मावो बंडा वंडरा नाइक की बात करी गई थी, और वो कहाँ के थे, श्रीलंका के। उसी तरह से ये पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालयों ने लागू की थी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये जो मिड डे मील स्कीम है 15 अगस्त 1900 आपके पास बोला जाता है 95 में लागू की गई है, 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, ये आपके पास एक तरह की स्कीम है जो कि लंच प्रोवाइड करती है वहाँ के, है ना, अपने छात्राओं को, है ना, ये स्कूलों की आपके पास एक योजना सरकारी स्कूलों में देखने को मिलती है, और इसमें क्या है, लंच, है ना, प्रोवाइड करती है वहाँ की, जो आपके पास स्कूल है वो लंच प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या था, बोल जाता है ये किसकी आपके पास एक स्कीम थी, तो याद रखना मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एच आर डी, है ना, एच आर डी, ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आपके पास ये स्कीम है, मिड डे मील स्कीम, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, आपको हमने पहले बोला है कि ये आपके पास लोकपाल का कार्यकाल, देखो लोकपाल के बारे में हमने पहले क्या बात करी है कि भारत में पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है, और उनका नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष, क्या नाम है, पिनाकी चंद्र घोष। तो बोल जाता है उनकी जो आपके पास टेन्योर होगा ना, ये रिटायरमेंट एज होगी, वो कितनी होगी, तो याद रखना 5 साल या 70 साल, 5 साल या 70 साल में से जो भी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उनको अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बोला जाता है कि भारत की तरफ से ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड नियुक्त किया गया इंडिया की तरफ से, याद रखना वो किसे कर किया गया है, रामेश चंद, और रामेश चंद आपके पास प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो ये चीज अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष नहीं, मतलब एक एक सदस्य है, रामेश चंद आपके पास नीति आयोग के सदस्य भी हैं, तो इनको अभी इंडिया की तरफ से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी जो आपके पास राजधानी है वो इटली के रोम में। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, बोला गया डायरेक्टर, सॉरी नेक्स्ट आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बोला जाता है इसके जो आपके पास डायरेक्टर जनरल है वो कौन बने हैं, तो याद रखना पीबी रामेश बाबू, इनका नाम है पीबी रामेश बाबू। देखो ये जो आपके पास नेशनल आर्काइव्स की बात करी जाती है, नेशनल आर्काइव्स का हिंदी में मतलब क्या होता है, अभिलेखागार, अभिलेखागार मतलब एक ऐसा घर जहां पे आपके पास जितने भी पुरानी इमारतें हैं, पुराने भवन हैं, उनकी जो डिटेल है वो आपको सारी वहां पे मिलेगी, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान योजना किसके द्वारा शुरू की गई, याद रखना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है, और ये कहाँ पे शुरू की गई थी, ये आपके पास गुजरात, ये है क्या, ये आपके पास बोल जाता है कि एक पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम है, तो पेंशन स्कीम आपके पास क्या, कैसे होगी, इसके क्या आपके पास एक पैरामीटर्स हैं, बोल जाता है कि 18 वर्ष से ऊपर जो भी आपके पास पर्सन्स हैं वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान योजना का लाभ उठा सकता है या उसमें ऐड हो सकता है, पर याद रखना है इसकी जो लास्ट एज है वो आपके पास है 40, 40, 18 और 40 के बीच में जो भी होगा वो इसका, है ना, बेनिफिट उठा सकता है। अब यहाँ पे है क्या, 18 से 40 जब से आप स्टार्ट करोगे उस टाइम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, आधा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी गवर्नमेंट करेगी, आधा आप करोगे, उसके बाद 60 साल बाद आपको पेंशन लगेगी, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान योजना, याद रखना इसकी बिल्कुल बहन भी है एक अटल पेंशन योजना, वो भी इसी तरह से है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो छोड़ो। भारत की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है, बिल्कुल सही है आपके पास जो आंसर है, 67th इसकी रैंक है, आई है इंडिया की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। अब ये भी है, बोले दुनिया का ऐसा कौन सा पासपोर्ट है जिसको सबसे सही रैंक मिला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नंबर 1 रैंक मिला है इसमें, और नंबर 2 रैंक जो मिला है वो सिंगापुर को, तो ये आपको याद रखना है, हमारे इंडिया का रैंक है 67th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करी जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आपके पास हेड चुने गए हैं वो आपके पास कौन है, आदर्श कुमार गोयल, पर आपको इस यहां पे क्या पता चला, वो आपके पास जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में जो आपके पास ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस के रूप में काम कर चुके हैं और रिटायर्ड जजेस थे, इनको अभी जो आपके पास NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यहाँ पे बोला जाता है कि हेड नियुक्त किया गया। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, देखो ट्रिब्यूनल जो है ना वो एक छोटे छोटे कोर्ट रहते हैं कि ऐसे मुद्दे जो
है ना बारीकी से है ना देखनी होते हैं, या मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम को कम करने के लिए छोटे छोटे कोर्ट बनाए गए हैं। तो अगर मैं एनजीटी की बात करूं, ये दिल्ली में है, ये आपके पास क्या काम करेगा? इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी केस आएंगे, पर्यावरण से संबंधित जितने भी केस होंगे, वो सारे के सारे कहाँ देखे जाएंगे? एनजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था? बोला गया संविधान में 2002 में एक संशोधन करके सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, वो कौन सा संशोधन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास 86th अमेंडमेंट थी, और वो आपके पास 2002। अच्छा ठीक है, 86th अमेंडमेंट तो थी, मैंने ये बताया, पर उसके अकॉर्डिंग आपके पास बोल जाता है कौन सा आर्टिकल नया जोड़ा गया, या आपके पास बोल जाता है ये जो आपके पास पूरा जो इस तरह का कानून बनाया गया जो 86वां संशोधन 2002 में किया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसको पूरा एक्सप्लेन करो, कौन सा आर्टिकल इसके तहत आता है और कौन सा पार्ट है ये, और वो पार्ट हमने कहाँ से लिया है, वो सारी चीज़ें आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।